हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं हम लोग सब बढ़िया होंगे। सो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, हरिद्वार और नीलकंठ। सो हम वहां जा रहे हैं गंगा स्नान करने सावन के महीने पे। और आज मेरे संग है विक्की भाई हेलो, और प्रेम भैया हेलो, दीपक भैया, और प्रेम भैया का लड़का केतन हेलो करो हेलो हेलो ऐसे करो। और ये आत्मा नाम क्या है? प्रिंस। हाय गाइस, ये है प्रिंस, हमें जामुन खिला रहे हैं प्रिंस भाई, काफी अच्छे जामुन खिलाएंगे आपको भी खाना है, देख लो ये मेरे से अच्छी व्लॉगिंग कर रहा है। After eating jamun, we started our journey from here. So guys, अभी हम कर चुके हैं कासपुर क्रॉस, और हमें कम से कम 2.5 घंटा लगा हल्द्वानी से कासपुर आने में, क्योंकि बहुत गंदा जाम लगा है रास्ते पर और रोड भी बहुत खराब हो रही है। सो इसलिए हमें ज्यादा टाइम लगा, और अभी हम जा रहे हैं वे टू ऋषिकेश, हरिद्वार और नीलकंठ। मौज कर दी, मौज मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो गाइस, अभी हम रुके हैं धामपुर पर थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाने के लिए, देख सकते हैं आप। और अपाची भैया और प्रेम भैया आ रहा है, हमने मंगा लिया अपने लिए थोड़ा हल्का, और थोड़ा अपने को भी रेस्ट चाहिए था और गाड़ी को भी, तो थोड़ा 10-15 मिनट का यहाँ पर रेस्ट लेते हैं, फिर चलेंगे आगे को। हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और अभी हम पहले चल रहे हैं हरकी पौड़ी पे, दर्शन करते हैं और स्नान देखते हैं, स्नान कर सकते हैं या कल सुबह करते हैं स्नान, और अभी चलते हैं और आपको यहाँ के व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू। मुझे भी देखना। ये देखिए केतन।
सो गाइस अभी हम अपने रूम में रेडी हो चुके हैं। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे हर की पौड़ी में और अभी सब रेडी हो चुके हैं। दीपक भैया भी रेडी हो चुके हैं, विक्रम भैया भी और केतन भी और प्रेम भैया भी। सो अभी पहले हमारा प्लान ये है कि अभी हम पहले जाएंगे नीचे और देखते हैं, दोबारा स्नान करते हैं, नहीं तो हम सीधे निकलेंगे नीलकंठ के लिए। अभी हम हरिद्वार से हुआ हैं और अभी का प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ और नीलकंठ में मंदिर है, हम वहाँ दर्शन करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपको बताइए ऋषिकेश को दूसरा गोवा कहते हैं। तो अभी पहले हम चलेंगे नीलकंठ मंदिर में और वहाँ दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे ऋषिकेश को। और बहुत काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ हरिद्वार में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी पीसफुल जगह है। सो गाइस जो ऋषिकेश से नीलकंठ का वे है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं। ये हमें मतलब अपने वहीं काठगाम से जो नैनीताल को रोड गई है वाली याद दिला रहा है। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे रूट हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारा रूट। बढ़िया रूट है यहाँ पर जो नीलकंठ वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप देखिए यहाँ पर जो रोड के किनारे जो नदी जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है, ये देखिए, अभी हम नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं और अभी हम चल रहे हैं ऋषिकेश को और ऋषिकेश झूला पुल पर चलेंगे। और अभी हम करने वाले हैं ड्रोन को फ्लाई और ड्रोन ऑपरेटर विक्रम सिंह बिष्ट अपना ड्रोन सेटअप कर रहे हैं और केतन को यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लाई जा रही है ताकि यहाँ पर जोश हाई हो जाए, एनर्जी कायम रहे, इनकी एनर्जी कायम रहे। हेलो गाइस कहते हैं, हेलो गाइस कहते हैं, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस अभी का सीन ये है, हम नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कराए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश और यहाँ से ऋषिकेश से 8 किलोमीटर और अभी हम जाने वाले हैं झूला पुल पर। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर और भैया लोगों के संग काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और केतन भी इंजॉय कर रहा है। केतन हेलो कर दो एक बार सब व्यूअर्स को, हेलो गाइस, हेलो गाइस, और अबाजी भैया भी एक बार हेलो करेंगे सबको, हेलो अंकल, हेलो अंकल, हेलो हेलो हेलो।
सो गाइज राइट नाउ वी आर हेयर एट ऋषिकेश लक्ष्मण झूला और आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला यहाँ पर है और अभी हम जा रहे हैं नीचे यहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन करने देख सकते हैं नीचे यहाँ पर और अभी चल रहा है फोटो सेशन विक्की दा और दीपिका का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रिप में हरिद्वार भी गए फिर वहाँ से नीलकंठ गए फिर अभी ऋषिकेश और तीनों जगह काफ़ी पीसफुल थी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तीन या चार घंटे रास्ता और बचा है और जाम नहीं रहा तो तीन चार घंटे आराम से पहुंच जाएंगे अगर ट्रैफिक रहा तो वही पहुंचेंगे दो तीन घंटा लेट और मतलब कि पाँच घंटे और लगेंगे सो होप करते हैं कि जाम ना लगे और जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं क्योंकि थक बहुत चुके हैं दो दिन से कंफर्टेबल जोन में नहीं है तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और यहाँ पर देख सकते हैं सभी खिलाड़ी धीरे धीरे ध्रस्त होते हुए और मतलब ड्राइवर साहब तो हैवी ड्राइवर ही हैं इनका तो हमने कल किया हैवी ड्राइवर हैं प्रेम भैया का लड़का फ्लैट पड़ चुके हैं अपाची भैया भी फ्लैट हो रहे हैं धीरे धीरे और मैं तो हो ही गया हूँ फ्लैट और तीसरे ये तो हैवी ड्राइवर इनके कोई शक की बात नहीं है रेस्टोरेंट में अभी बस सीधे घर जाने की तैयारी हो रही है और देखते हैं अभी क्या होता है